पत्नी और माँ कीर्ति चक्र को लेते हुए बड़ी भावुक, और ये है कैप्टन अंशुमान और ये है इनकी शादी का, और फिर 5 महीने बाद शहीद हो गए। आज एक प्यारी सी मुस्कुराहट नहीं है, आप सभी का एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैप्टन अंशुमान की, जो शहीद हो गए हैं। उन्होंने 3-3 लोगों को मतलब बचाया और वो शहीद हो गए। बहुत ही कम उम्र में उनको कीर्ति चक्र मिला, उनकी पत्नी को और उनकी मम्मी को। और जो पत्नी है वो स्मृति है, और ये लगा लो कि उनकी केवल 26 वर्ष की उम्र है और वो 5 महीने ही हुए हैं शादी को। तो कितना दर्द है, कितना दुख है। और जब उन्होंने ये कीर्ति चक्र लिया उस टाइम में, तो सबकी आंखें नम हो गई, और जिसने भी ये वीडियो देखा सबकी आंखें नम हो गई। लेकिन उसमें भी कोई शख्स ऐसा निकला कि जिसने बहुत भद्दे कमेंट करे। और आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई आगे बढ़ता है, करता है, ये हम अपनी क्रिएटर्स के लिए भी कह रहे हैं, जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी, कि जो लोग जिनको कुछ काम नहीं होता वो केवल कमेंट करके चले जाते हैं गलत। तो ऐसे ही आपने ये नहीं देखा किसी ने कि उस पर क्या बीत रही है, क्या उसकी स्थिति है, कमेंट कर दिया। लेकिन इस बार जो सरकार है वो मतलब उन्होंने भी उसके ऊपर केस करा है और उसको ढूंढ रहे हैं, फिर उसको सजा भी देंगे, 3 साल की सजा मिलेगी गलत कमेंट करने वालों को। क्योंकि ऐसा कैसे कोई कुछ भी किसी के बारे में कह सकता है, ये गलत है। हम भी हैं, यूट्यूबर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, जो अपने मतलब चैनल को चला रहे हैं। किसी को आता जाता है नहीं, वो कमेंट करके कुछ कोई भी चल देता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई देखो ये कदम उठाया जा रहा है कि जो कमेंट जो गलत करते हैं उनके पे भी कार्रवाई होगी। इसलिए जो भी गलत कमेंट करेंगे सोच समझ के करें। अब उनको कीर्ति चक्र मिला है, लेकिन इतनी मतलब बहुत ही कम उम्र में उन्होंने मतलब ये कीर्ति चक्र को पाया है, लेकिन वो शहीद हो गए हैं। तो सोचो कि एक माँ बाप पर क्या बीतती होगी, है ना, मतलब अपनी जवान बेटी को खोना है, और पत्नी पे क्या बीतती है कि पूरी जिंदगी पड़ी हुई है कि वो कैसे समय काटेगी, कि 26 वर्ष की क्या उम्र होती है 5 महीने शादी को। मतलब ये लगा लो कि अभी मतलब मेहंदी भी नहीं छूटती है, ये कहो तो साल भर भी शादी को नहीं हुआ और ये चीज़ सामने आई है, और फिर भी कोई इस तरह का कोई भी गलत कमेंट कर देता है। अरे तुम्हें तो सलूट करना चाहिए, किसी ने अपना बलिदान किया है, देश के लिए बलिदान किया है, है? और मतलब इतना सम्मान है, और गांव में भी मतलब बहुत सम्मान दिया गया है। भाई माँ बाप भी अपने आप को कैसे कैसे समझाते होंगे, कैसे कैसे जीवन काटेंगे, है भाई शहादत हुई है और शहीद हुआ है, पूरे गांव में मतलब सम्मान है, कीर्ति चक्र मिला है। ज़्यादा और इस बारे में मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को भी कोल्ड और फीवर हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई देखो कोई अच्छा कर रहा है तो कम से कम आप अच्छा नहीं बोल सकते, तो गलत भी कमेंट ना करें किसी को भी। बस आज का यही था कि भाई किसी ने मतलब वो 26 वर्ष की है कम उम्र है, और सबने मतलब सिंपैथी दिखाई है, बस कुछ लोगों को बुरा लगा। बस क्यों, क्या है इसमें, बस ये है अपनी सोच अच्छी रखें, सबके लिए अच्छा सोचें। अरे आप भी करो जो आपको करना है, लेकिन बस ये है कि करना कुछ नहीं, बस दूसरों को जज करना, ये गलत बात है कि दूसरों को जज करते रहो है और अपना कुछ मत देखो। बस आज ज्यादा इतना लंबा व्लॉग नहीं है, बस मैं ऐसे ही व्लॉग लाती रहूंगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।